जय हिंद दोस्तों, मैं अनिरुद्ध पटेल जेनटेक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था पिछले दिन कि मैं पर डे आपको एक वीडियो इडियम्स पर प्रोवाइड कराऊंगा पूरे 30 दिन। आज डे टू है और आज डे टू पे मैं बात करूंगा ग्रीन कलर पे। पिछली क्लास में मैंने ब्लू कलर पे डिस्कस किया था, आज हम बात करेंगे ग्रीन कलर पे। ग्रीन कलर में पहला इडियम है टू बी ग्रीन। ये जो टू बी वर्ड है इसका जो आइडिया है, अगर आप मतलब निकालते हैं तो टू बी का मतलब इस आर से होता है या पास्ट में वाज या वर से होता है। तो ये जो टू बी ग्रीन शब्द का मतलब हो गया, इसका मतलब होता है नौसिखिया, इनमेच्योर, या यूं कहा जाए अनस्किल्ड, या यूं कहा जाए कि न्यू इन समथिंग। अगर मैं इसे सेंटेंस के फॉर्मेट में यूज करूं और आपसे कहूं यू आर ग्रीन, अगर मैं कहूं यू आर ग्रीन तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम नौसिखिया हो। सेंटेंस को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, यू आर ग्रीन इन दिस मेडिकल डिपार्टमेंट, इसका मतलब यह हुआ कि तुम मेडिकल डिपार्टमेंट में बिल्कुल नए हो। दूसरा इडियम आता है टू हैव ग्रीन थंब या टू हैव ग्रीन फिंगर्स। अगर मैं इस इडियम को मतलब निकालूं तो इस इडियम का मतलब होता है बागवानी में या खेती बाड़ी में माहिर। सेंटेंस में अगर मैं इसे यूज करूं तो आई हैव ग्रीन थंब या आई हैव ग्रीन फिंगर्स, इसका हिंदी मतलब निकलेगा मैं बागवानी में माहिर हूं, मैं कृषि में माहिर हूं। तो इस तरीके से दूसरा इडियम, तीसरा है टू गो ग्रीन या टू लुक ग्रीन। मेरे बच्चे, टू गो ग्रीन का मतलब होता है या टू लुक ग्रीन का मतलब होता है टू लुक पेल, कमजोर दिखना, बीमार दिखना। अगर आप एक लंबी यात्रा करके आते हैं तो मैं यही कहूंगा कि आफ्टर लॉन्ग जर्नी यू आर लुकिंग ग्रीन। मैं इसे कह सकता हूं आफ्टर लॉन्ग जर्नी यू आर गोइंग ग्रीन। तो गो अकॉर्डिंग टू टेंस, लुक अकॉर्डिंग टू टेंस बदल जाएगी। अगला इडियम अगर देखा जाए तो ग्रीन विद एनवी, ग्रीन विद एनवी का मतलब होता है एक्सट्रीमली जेलस। लोअर पीसेस का रिजल्ट आया है, अगर आप उसमें पास हो गए, आपका पड़ोसी फेल हो गया है, तो वो आपके प्रति बहुत ही एक्सट्रीमली जेलस रखेगा, मतलब वो ग्रीन विद एनवी होगा। इडियम नंबर 5 में है ग्रीन आइड मॉन्स्टर, मतलब ईर्ष्या। आप कह सकते हो ग्रीन आइड मॉन्स्टर इज द पायर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, ईर्ष्या मनुष्य की चिता होती है, मनुष्य को जला देती है। तो ग्रीन आइड मॉन्स्टर एक नाउन है और बहुत ही प्रचलित इडियम है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला इडियम आता है अब ग्रीन हॉर्न। अब ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है नया नया, अब ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है इमेच्योर। अगर मैं कह दूं कि यू आर अ ग्रीन हॉर्न यू कांट वोट, तुम अभी नए हो, तुम अभी अडल्ट नहीं हो, तुम वोट नहीं कर सकते। अगला पॉइंट आता है हैव ग्रीन आईज, ईर्ष्या करना। तो कह दूं आई हैव ग्रीन आईज फॉर यू, मैं तुम्हारे प्रति ईर्ष्या रखता हूं। अब ईर्ष्या ये भी है, ईर्ष्या ये भी है और ईर्ष्या ये भी है। देख तीनों के मैं अंतर समझा देता हूं। ग्रीन विद एनवी का मतलब होता है बहुत ज्यादा ईर्ष्या करना, जबकि ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब केवल ईर्ष्या, और हैव ग्रीन आइज का मतलब ईर्ष्या करना। इसका मतलब ईर्ष्या करना और इसका मतलब बहुत ज्यादा ईर्ष्या करना और इसका मतलब केवल ईर्ष्या। ये इडियम्स मैंने जो अभी 7 इडियम्स आपके सामने डिस्कस किए हैं, बच्चा एक बार रिवीजन करता हूं, साथ में सब लोग बोलेंगे, कसम है तुम्हें उसकी। आ जाओ जरा, पहला वर्ड टू बी ग्रीन, नौसिखिया, टू हैव ग्रीन थंब, टू हैव ग्रीन फिंगर्स, आप कह सकते हो खेती बाड़ी में या बागवानी में माहिर, टू गो ग्रीन या टू लुक ग्रीन मतलब बीमार या कमजोर नजर आना, ग्रीन विद एनवी बहुत ज्यादा ईर्ष्या करना, ग्रीन आइड मॉन्स्टर ईर्ष्या, अ ग्रीन हॉर्न नौसिखिया, और जबकि हैव ग्रीन आईज मतलब ईर्ष्या करना। अगला इडियम जो आपके सामने आता है टू गेट ग्रीन लाइट, किसी काम की इजाजत मिलना।
तुम शादी करना चाहते हो, यू वॉन्ट टू गेट लव मैरिज या यू वॉन्ट टू डू लव मैरिज, यू हैव गॉट ग्रीन लाइट फ्रॉम योर पेरेंट्स, तुम लव मैरिज करना चाहते हो और पेरेंट्स ने तुम्हें उसकी इजाजत दे दी। तुम डिफेंस में नहीं, तुम सिविल में जाना चाहते हो, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें इजाजत दे दी, तो यू हैव गॉट ग्रीन लाइट टू गो इन सिविल फील्ड। अगला आता है ग्रीन रूम। ग्रीन रूम का मतलब होता है सजने संवरने का कमरा। फिल्म में शूटिंग करने से पहले राजा और नायिका एक कमरे में तैयार होते हैं और उस कमरे को ग्रीन रूम कहा जाता है। अगर ये आउटडोर शूटिंग है तो वहां पर एक वैनिटी वैन होती है, उसमें तैयार होते हैं। तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर यही आरोप लगाया था कि जब वो वैनिटी वैन में तैयार हो रही थी तो नाना पाटेकर ने उनके साथ कुछ अश्लील हरकतें करी। तो ग्रीन रूम उसी का दूसरा फॉर्म है। अगला वर्ड आता है ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। इसका मतलब होता है टू थिंक दैट अदर वंस हैज बेटर चांस देन यू, बेटर अपॉर्चुनिटीज देन यू। जब आपको यह लगता है कि सामने वाला बंदा आपसे बेहतर चांस रखता है, बेहतर अपॉर्चुनिटीज रखता है, जब आप फेल होते हैं तो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? आप यही कहते हो कि अरे वो उस स्कूल में पढ़ता था, मैं इस स्कूल में पढ़ता था, वो उस एकेडमी में पढ़ता था, मैं इस एकेडमी में पढ़ता था। माफ करें, कहीं ना कहीं आपके लक्ष्य की कमी थी, आपके सोच की कमी थी। याद रखना, अगर हौसले बुलंद है तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपके सपने को पूरा करने से रोक नहीं सकती। आखिरी इडियम जो है वो है ग्रीन अराउंड या ग्रीन अबाउट या ग्रीन एट गिल्स। इन सब का एक ही मतलब होता है, इन सब का मतलब होता है टू लुक पेल या टू लुक इन। ये मैंने यहां पे मछली बनाई हुई है, आप देख सकते हैं इस पार्ट को हम गिल्स बुलाते हैं, मछली यही से श्वसन करती है, और अगर ये इलाका इसका ग्रीन है इसका मतलब है मछली बीमार है। कंट्रोलियल लैंग्वेज में नहीं आता, फद्दी बीमार है जी। तो इस तरीके के ये कुछ वर्ड थे, एक बार मैं इनको रिपीट कर देता हूं। टू गेट ग्रीन लाइट, इसका मतलब होता है किसी काम की स्वीकृति मिलना। ग्रीन रूम, इसका मतलब होता है सजने संवरने का कमरा, नेताओं अभिनेताओं के, अभिनेताओं और अभिनेताओं का। ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ऐसा मानना कि दूसरों के पास तुमसे बेहतर अपॉर्चुनिटीज है। ग्रीन अराउंड या ग्रीन अबाउट या ग्रीन एट गिल्स, इसमें कोई एक प्रीपोजिशन हो सकता है, और इसका मतलब होता है बीमार नजर आना। इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही, मिलता हूं अगली क्लास में। तब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें, घर के अंदर रहें, लॉकडाउन में ज्यादा बाहर ना निकलें, तैयारी करते रहें, क्योंकि सब कुछ हो सकता है, डिफेंस से समझौता नहीं होगा। जल्दी वैकेंसीज आएंगी, जल्दी एग्जाम कंडक्ट होंगे, लेकिन तब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए। जय हिंद।